नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। आज हम आपको गाड़ी चोरी का एक ऐसा दिलचस्प किस्सा बताएंगे जिसमें एक क्रिमिनल किसी कंपनी में ड्राइवर बनकर आया और बाद में गाड़ी ही चुरा ली। कई दिनों की मुशक्कत के बाद जब मालिक को गाड़ी नहीं मिली तो आखिरकार कुछ अनजान ड्राइवरों ने ही मालिक की हेल्प करी और इस चोर को और गाड़ी दोनों को ही पकड़ लिया। और इसके साथ ही आपको बताएंगे इन चोरी हुई गाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन कि आखिरकार ये चोरी होकर ये गाड़ियां जाती कहाँ हैं। गाड़ी थी लुधियाना की सतकरतार ट्रांसपोर्ट सर्विस और इसके मालिक हैं सुखराज सिंह। इनका लगभग 10 गाड़ियों का फ्लीट है और इनकी गाड़ी थी एक टाटा 3114 चक्का। इस गाड़ी के लिए ड्राइवर चाहिए था इमीजिएटली और गाड़ी को लोड लेके जाना था। तभी एक ड्राइवर इनके पास आया और बताया कि काफ़ी मजबूरी में है, काफ़ी काम की ज़रूरत है और रिक्वेस्ट की कि मुझे काम पर रख लें। तो ज़्यादा कागज़ वगैरह उसके चेक नहीं किए गए और उसे इमीजिएटली ड्राइविंग पर रख लिया और बिहार का इसके डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे। इस ड्राइवर का जो निक नेम था, वैसे बोल चलने वाला नाम था, कालिया भी बोल देते थे और राजू भी। तो इसको गाड़ी पकड़ा दी गई आते ही और 12 अप्रैल को ये गाड़ी लुधियाना से निकली और गाड़ी में साइकिल के टायर लदे थे। जो डिलीवरी होनी थी वो एक तो कटिहार बिहार के अंदर और बाकी जो माल था वो मालदा वेस्ट बंगाल के अंदर डिलीवरी देनी थी। गाड़ी यहाँ से ठीक ठाक निकली, कटिहार डिलीवरी हुई, उसके बाद मालदा डिलीवरी हुई। मालिक के साथ लगातार इसका संपर्क जो राजू था इसका बना रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई शक नहीं हुआ। गाड़ी उधर से जब खाली होकर वापस आ रही थी तब गाड़ी को कटिहार से ही वापसी का लोड लेना था लुधियाना के लिए। अब गाड़ी को जाना था मालदा से कटिहार वापस। 17 तारीख को गाड़ी सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां से चल पड़ी, लेकिन इसका राजू का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ हो गया। वहीं से मालदा से रतुआ लगभग ये 37 किलोमीटर की दूरी है और रतुआ में जाकर ये गाड़ी एक कीचड़ में फंस गई। वहाँ पर रोड से नीचे किसी गड्ढा था और वहाँ खूब सारा कीचड़ था, उसमें गाड़ी फंस गई, निकली नहीं। खैर, मालिक को कुछ नहीं पता। इतने में रतुआ से इनको एक कॉल आई किसी अनजान व्यक्ति की, उसका नाम मुकेश था। जहाँ पर गाड़ी फंसी हुई थी उसके सामने ही लकड़ी काटने वाला आ रहा था। ये व्यक्ति उसका मालिक था। इसने नंबर गाड़ी के ऊपर से पड़ा मालिक का और फ़ोन किया लुधियाना। उनको बताया कि ऐसे करके आपकी गाड़ी वहाँ पर फंसी हुई है और आपका जो ड्राइवर है वो नशे में पूरी तरह से धुत है, उसको कुछ नहीं पता है। तो अगर हो सके तो आप लोग आइए और अपनी गाड़ी को यहाँ से ले जाइए। तो यहाँ पर अब लुधियाना से रतुआ की दूरी तो बहुत ज़्यादा थी और ना ही इतनी जल्दी वो वहाँ पर पहुँच सकते थे। तो जो इनके ओनर थे सुखराज सिंह, उन्होंने उनको कहा मुकेश को कि आप ऐसा कीजिए, आप भले मानस लग रहे हैं, आप गाड़ी के कागज निकाल के अपने पास रख लीजिए और वेट कीजिए, मेरे बंदे वहाँ पर पहुँच के गाड़ी को ले जाएंगे और ड्राइवर से मेरी बात करवाइए। ड्राइवर से जब बात कराई तो तब भी कुछ इनको शक नहीं होने दिया राजू ने। उसने कहा कि सर मैं मोबाइल इसलिए नहीं उठा रहा था, स्विच ऑफ, मेरी बैटरी ख़राब हो गई इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ है और मेरी गाड़ी गलती से वहाँ फंस गई, मैं अभी निकल जाऊँगा, ये वो कह के। खैर, मालिक ने नहीं माना और इतने में अपने कुछ दोस्त जो उस एरिया में थे ट्रांसपोर्टर वगैरह, उनको फ़ोन किया और इनको बोला मुकेश को कि इसको तब तक नहीं जाने देना जब तक मेरे बंदे नहीं आ जाते, तब तक गाड़ी और इस ड्राइवर को पकड़ के रखना। 4-5 घंटे तक तो उसने पकड़ के रखा, लेकिन कुछ देर बाद जब मुकेश खाना खाने के लिए इधर उधर हुआ, पीछे से राजू गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गया। अब इसके बाद 17 तारीख की ये घटना है। 17 तारीख को ही वो रतुआ पहुँचता है, गाड़ी फंसती है, गाड़ी निकल जाती है और ड्राइवर, लेकिन जो कागज़ थे गाड़ी के, डॉक्यूमेंट्स थे, वो मुकेश के पास ही रह जाते हैं। अब जब इनको पता चलता है लुधियाना में बैठा है ओनर के भाई ये कांड हो गया, तो ये वहाँ से चल देते हैं रतुआ की तरफ। लेकिन 17 तारीख से लेकर लगभग 25 तारीख 8 दिन तक ये लोग वहाँ पर, इन्होंने, इनका कहना है कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, जहाँ जहाँ पर भी इनको शक था इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। गाड़ी ली, 2-3 जने थे, कहीं होटल बुक कराया, कहीं रहे, खाया पिया, जितनी मेहनत हो सकी की, जितने व्हाट्सएप नंबर थे ड्राइवर्स के, मालिकों के, उन पर ये उन्होंने अपनी डिटेल डाली, गाड़ी की फ़ोटोग्राफ्स डाली, ड्राइवर की फ़ोटोग्राफ्स डाली, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं लगा और ड्राइवर का फ़ोन भी बंद रहा। तो
तो पुलिस स्टेशन भी वो लोकल वेस्ट बंगाल में गए, लेकिन पुलिस ने कोई बात सुनने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद जब इन्होंने पूरी उम्मीद खो दी कि अब जो होना था हो गया, गाड़ी का बीमा अक्सर है तो चाहे पैसे कम मिलेंगे तो बीमा ले लेंगे कहीं FIR करवा कर, और ये वापसी की तैयारी में थे, रतुआ में थे उस टाइम में, और इतने में इनको फ़ोन आता है कुछ ड्राइवर्स का। ये कुछ अनजान ड्राइवर थे, मतलब इनकी कोई जान पहचान नहीं थी मालिक के साथ, और ये फ़ोन आया जंगीपुर। ये जगह रतुआ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर दो फेमस ढाबे हैं, मोनी दा ढाबा एंड पंजाबी ढाबा। ये दो ढाबों के पास उन्होंने कहा, जो ड्राइवर्स थे तीन चार अलग अलग गाड़ियों के, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने भी नंबर गाड़ी के ऊपर जो मालिक का नंबर लिखा था वहीं से नंबर लेकर कॉल किया। उन्होंने कहा कि सर आपकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और इसका ड्राइवर भी यहीं पर है, तीन चार दिन से गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ये व्यक्ति आपकी गाड़ी कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, तो अगर हो सके तो जल्दी आकर अपनी गाड़ी को यहाँ से ले जाएं और इसे पकड़ लें। तो एक तरफ तो खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ इनका ये भी चिंता थी कि वहाँ ये जो रास्ता बता रहे हैं कि लगभग 5-6 घंटे इनको लगने थे जहाँ पर भी ये थे जंगीपुर पहुँचने में, तो इन्होंने उनको कहा कि हो सके तो उसको आप पकड़ के रखिए। यहाँ पर दाद देनी होगी इन ड्राइवर्स की, जिन्होंने अपना काम छोड़कर 6-7 घंटे जब तक ये नहीं पहुँचे वहाँ पर जो ओनर थे, इन्होंने उस गाड़ी का भी ध्यान रखा और उसको राजू को भी वहाँ पर पकड़ के रखा, जाने नहीं दिया, 6-7 घंटे तक वेट की। इतने में ये लोग वहाँ पर पहुँच गए, पहुँचे पहले तो सांस में सांस आई कि गाड़ी वहीं पर खड़ी थी, उसके बाद इस राजू को पकड़ा। लेकिन ये इतना शातिर क्रिमिनल लग रहा है जो राजू है, कालिया इसका नाम है, इसका ओरिजिनल नाम है राम आधार। दारू पीना भाई ये पहला ने भाव देखो भाव पहला का टीका ही तोड़ दो बंदे रास्ता थे और भाई गाड़ी का कागज जब्त करा गया बंदे को। इसने इतने लोगों की, हो सकता है वहां पर इसकी पिटाई भी हुई हो, लेकिन इसने कुछ भी सुराग नहीं दिया। इसने इसका कहना था कि मैं तो नशे में था, मुझे किसी ने कुछ खिला दिया, पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है 5 दिन से मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। तो आखिरकार ये इसको लेकर, मैं बाद में बताता हूँ कि ये गाड़ी आखिर जानी कहाँ थी, क्या सौदेबाजी हुई, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फिर उसके बाद इसको ये गाड़ी में बिठाया, उसी ट्रक में बिठाया, ड्राइवर साथ में जो दो बंदे लेकर गए थे वो ट्रक में बैठे और ये गाड़ी में थे। तो इनकी कोशिश ये थी कि जिस पुलिस स्टेशन में वो पहले गए थे वहीं पर जाकर इसको अरेस्ट करवा दिया जाए और अपनी गाड़ी ले जाई जाए, लेकिन उससे पहले ही ये मालदा के पास ट्रैफिक में थे और ये राजू कैबिन से निकल कर भाग गया। जी हाँ, वो इनके हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन गाड़ी इनको मिल गई। गाड़ी की जो कीमत थी, जो आज की डेट में इसकी कीमत है, वो लगभग, ये 2012 मॉडल है, इनका कहना है कि 15 लाख रुपए इसकी आज भी मार्केट वैल्यू है। लेकिन ये जंगीपुर में ही क्यों था, ये एक बड़ा सवाल है। राजू वहीं पर क्यों रहा और 3-4 दिन तक वहीं पर क्यों रहा? हुआ ये था कि असल में ये जो जगह है जंगीपुर, ये बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, इससे 25-30 किलोमीटर की दूरी पर ही बांग्लादेश बॉर्डर है, और बांग्लादेश बॉर्डर का कुछ हिस्सा बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, यानी कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं। कुछ बॉर्डर है जहाँ पर पूरी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन कुछ बिल्कुल ओपन एरिया है जहाँ पर आसानी से आप गाड़ी कुछ भी लेकर इधर उधर जा सकते हैं। तो ये जो वहाँ पर राजू था, इसकी कुछ गैंग जो यही काम करते हैं, जो गाड़ियाँ खरीद बेच का काम, चोरी की गाड़ियों की खरीद बेच करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंडिया बांग्लादेश के बीच में, उन गैंग्स के ये संपर्क में था, और लगभग हर रोज़ वहाँ से कुछ लोग इनको मिलने आते थे, गाड़ी का सौदा चल रहा था। असल में 3-4 ग्राहक थे तो ये बार्गेनिंग कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मुझे कौन दे सकता है। तो इन ड्राइवर्स ने बताया कि अगर थोड़ी ही देर में ये मालिक वहाँ पर ना पहुँचते तो ना तो ये चोर और ना ही गाड़ी इनको मिलती, क्योंकि सौदा लगभग हो चुका था और ये गाड़ी उस दिन वहाँ से चली जानी थी। ये जो गैंग ऑपरेट करते हैं, ये इंडिया से गाड़ियाँ चुरा कर बांग्लादेश में बेचते हैं, और बांग्लादेश में जाकर इसकी बॉडी चेंज कर दी जाती है, नंबर प्लेट बदल दी जाती है, और सारे जो कागजात हैं वो भी नकली तैयार कर दिए जाते हैं, और बांग्लादेश गाड़ियों की लुक दे दी जाती है, ऊपर वो जिसकी शो वगैरह होती है वो सारी चेंज कर दी जाती है, और ये गाड़ियाँ बांग्लादेश में कम रेट पर बेच दी जाती हैं। ये बहुत बड़ा गैंग है, और जितनी भी गाड़ियाँ बिहार बंगाल इस एरिया में, मालदा वगैरह में चोरी होती हैं, वो ज़्यादातर गाड़ियाँ बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेशी चली जाती हैं, और इनको उसके बाद ढूंढना और रिकवर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि जब राजू को पकड़ा गया और इसका मोबाइल देखा गया तो देखा कि सबसे ज़्यादा ये क्राइम पेट्रोल जो प्रोग्राम आता है क्रिमिनल्स को लेकर वो ज़्यादा देखता था। मुझे कई बार लगता है कि ये जो क्राइम पेट्रोल जैसे प्रोग्राम आते हैं इससे लोगों को कम फ़ायदा हो रहा है, ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनको ज़्यादा ट्रेनिंग मिलती है इन प्रोग्राम से। खैर, हमारा मकसद इस स्टोरी को बताने का ये था कि जब भी आप कोई नए ड्राइवर को रखते हैं सबसे पहले तो उसके कागजात, जो उसके ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, बाकायदा चेक करें, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि जो राजू था इसका भी इन्होंने बाद में चेक किया ड्राइविंग लाइसेंस, वो जाली लाइसेंस था उसके पास, वो असली नहीं था। तो खैर, आप ध्यान रखें। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपनी गाड़ियों के अंदर जहाँ पर आप लाखों रुपया खर्चा करते हैं थोड़ा और खर्चा कर GPS जरूर लगवाएं अपनी गाड़ियों के अंदर। कम से कम अगर इस गाड़ी में GPS होता तो ये जल्दी गाड़ी ट्रेस हो सकती थी। और दूसरी बात ये कि जो कुछ लोग ड्राइविंग कम्युनिटी को बुरा मानते हैं हर बात में, तो उनको बता दें कि ये गाड़ी मिली भी ड्राइवर्स की वजह से ही, अदरवाइज उन ड्राइवरों को की ज़रूरत नहीं थी इस पचड़े में पड़ने की। लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया मैं कहूँगा, और अपना जो प्रोफेशन है उसका नाम ही रोशन किया है। अगर आपको हमारा काम ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।